मेरे आका में जो कैंप चल रहा है वो अशिया खून के लिए है और रात का इस वक्त 2 बज रहे हैं और इस वक्त जो है बेशुमार आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अशिया खून देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ही को ये क्रेडिट जाता है कि रात के इस पहर में भी ऐसे बहुत सारे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लामी के कहने पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर अशिया खून देने के लिए आए, जो कि बहुत बड़ी बात है। बागे मुस्तफा ग्राउंड में ये अशिया खून का कैंप लगा है। आम दिनों में भी थैलेसीमिया के बच्चों को जो है खून के हुसूल के लिए इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है और रमज़ानुल मुबारक के अंदर सूरत हाल ये हो जाती है कि 75% जो है खून देने वालों की कमी वाकई हो जाती है और यही वजह है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर थैलेसीमिया के और हेमोफीलिया के मरीज़ जो है वो बहुत परेशान रहते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी अतिया खून मिल जाए। दावत इस्लामी का ये एकदम इंतहाई ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से आप जो है? माशाल्लाह ब्लड दे रहे हैं आप जो है, किस लिए दे रहे हैं ब्लड आप जो है? सवाब की नियत से। सवाब की नियत से रहेंगे चले माशाल्लाह जो है, किसी भाई की काम आए चले, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। आप भी दे रहे हैं ब्लड जो है, क्या नाम है आपका जो है? तो किस लिए ब्लड दे रहे हैं आप जो है? सवाब की नियत से दे रहे हैं माशाल्लाह जो है। दावत इस्लामी के अतिया खून के कैंप्स के अंदर एक मुनफरिद बात यह होती है कि फ़िज़ा जो है वो दुरूद व सलाम से गूंज रही होती है और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अतिया खून दे रहे होते हैं। अतिया खून के कैंप के दौरान निगरान काबीना हैदराबाद मोहम्मद दानिश अत्तारी, अतिया खून देने वालों की हौसला अफजाई और मदनी चैनल के प्रोग्राम हम और रमज़ान की रिकॉर्डिंग के लिए तशरीफ़ लाए। दावत इस्लामी का वेलफेयर डिवीजन जो कि FGRF है उसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। इस ब्लड कलेक्शन कैंप के अंदर आशिकाने रसूल तरावी के बाद आए हैं, अपना खून का अतिया दे रहे हैं और यहाँ पर इंशाअल्लाह करीम ये खून का अतिया जो कि परेशान हाल है, जिनको ब्लड की ज़रूरत है, खून की नीड है, इंशाअल्लाह करीम उन तक ये खून का अतिया ये ब्लड पहुँचाया जाएगा। तो आइए आशिकाने रसूल से जानने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं वो कौन सा जज्बा था जो आज खून का अतिया देने के लिए रमज़ान के महीने में इन्हें यहाँ खींच कर लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल अतारी। बिलाल भाई क्या जज्बा है आज खून देना आए आप रमज़ान के महीने? जी मदनी चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिलाल भाई ने बताया जो बात की गई है, अगर देखें आप कि हदीस मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान या निशान है खैरुन नास मन यनफ़ऊ नास, कि लोगों में से बेहतरीन बंदा वो है जो लोगों की भलाई चाहे। तो यहाँ भी अगर देखा जाए खून का अतिया देने में भी भलाई का मामला है, लोगों की मदद करना है, लोगों तक अपना खून का अतिया जो कि खून के लिए जिनको खून की नीड है, ब्लड की नीड है, जो खून चाहते हैं, जैसे बताया थैलेसीमिया के मरीज होते हैं, हीमोफीलिया के होते हैं, जिन्हें खून लगता है, कुछ उनका एक पीरियड होता है, उसमें उनको खून का चढ़ना ज़रूरी होता है, तो ऐसे मुसलमानों की भलाई चाहते हुए अपना खून का अतिया कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है रमज़ान के महीने में जहाँ बंदा अपने आप में अपने जोम में खुद एक कमज़ोरी महसूस कर रहा होता है उस वक्त खून का अतिया दिया जाए। और बहरहाल मस्जिद के आशिकाने रसूल हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका रमज़ान किस अंदाज में गुजरता है।